आज हम करेंगे x की वैल्यू फाइंड। 2 की पावर क्या है x, इक्वल टू 3 की पावर x है। हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको, दोनों तरफ लिख सकते हैं हम log 2x इक्वल टू log 2 3 की पावर x। ये पहला कर दिया स्टेप हमने, दोनों जगह पे लगा दिया log। अगला क्या करेंगे, x को पहले ले आएंगे, x पहले log 2 रहेगा, यहाँ पे x पहले ले आएंगे log 2 3। ये कर दिया। अब एक हमारी आइडेंटिटी होती है, नोट पर ना का मैं लिख रहा हूँ, log a प्लस बी क्या होता है, इक्वल टू बी प्लस बी 1 होता है इक्वल टू। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बन है हमारा x 1। ये क्या है, x log 2 ब्रैकेट 3। ये कर दिया हमने x, तो x आ गया, बचा गया x इक्वल टू x log 2 बाय 3। अब क्या करेंगे हम इसमें, प्लस क्या होता जाएगा, माइनस में ले जाएंगे, x माइनस x log 2 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, बचा गया 1 माइनस log 2 3 इक्वल टू 0। ये कर देंगे, एक एक्स के इक्वल टू 0 रख देंगे, जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे करते हैं। एक हम इसको कर देंगे अलग, इसको अगर हम अलग करना चाहें, एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं यहाँ पे, तो हमें 2x इक्वल टू 3x है। चेक करते हैं इसको, 2x इक्वल टू 3x है ये हमारा। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू का डालनी है 0 डाल दो, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो एक वैल्यू निकाल लो, पर ये ना भी निकाले तब भी सही है, x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे डाल के देख लो, दोनों बराबर आ गया, आंसर तैयार हमारा।